नमस्कार दर्शकों, रिदम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर 2024, दिन है मंगलवार। विक्रम संवत है 2081, शक संवत है 1946, संवत्सर है कालयुक्त, सूर्यदेव है दक्षिणायन, ऋतु है शरद, मास है कार्तिक, पक्ष है कृष्ण, तिथि है षष्ठी, जो मध्य रात्रि के बाद 1:28 AM तक रहेगी। राहु काल है 2:55 PM से लेकर के 4:19 PM तक। तो ये रहा आज के दिन का हाल, आइए देखें सभी राशियों का क्या है। भाई मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों को जो हाल दिखना है वो थोड़ा डिफरेंट है पहले से, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है। काम के मामले में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब आप जो भी प्रोफेशन करते हैं, चाहे नौकरी है चाहे व्यवसाय है, दोनों में काफ़ी अच्छे तरीके से करने का बन रहा है, धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन अगर आप लापरवाही करें तो आपका नुकसान भी हो सकता है, मतलब सेविंग्स का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है, खासतौर पे पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में। तो इसमें आप अगर सावधान नहीं रहे तो आपका नुकसान हो सकता है, और सावधान रहे तो धन की प्राप्ति ठीक से हो पाएगी। साथ साथ ये भी दिखता है कि आप अगर अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करके कोई काम करना चाह रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि इस बीच आपको पार्टनर का, साझेदारों का और आपके साथियों का, जो आपके बिजनेस में आपके कार्य में सहयोगी हैं, उनका इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और अगर आप उन पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है और आपका काम खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप अपना काम खुद ही इंडिपेंडेंट होकर के करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेहनत करने की कोशिश करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पीला रंग, सफ़ेद रंग आप जरूर उपयोग में लें, इससे आपको अच्छी वाइब्स मिलेंगी और अच्छे तरीके से आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप अपना व्यवसाय तो ठीक से कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ की सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो ये है कि आपके कम्युनिकेशन में क्रोध आ सकता है। आपके मन में कई तरह की निराशा और कई तरह की उलझनें चल रही हैं जो इतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहों के कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि इस तरह के प्रभाव से आपके अंदर जो नेगेटिविटी आएगी, उस नेगेटिविटी का रिफ्लेक्शन आपकी बातों में दिखेगा, आपके कम्युनिकेशन में दिखेगा, और क्रोध भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके साथ क्रोध आकर के आपके कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करेगा और आपका काम खराब हो सकता है। तो आपको क्रोध से बचने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। आज के दिन आपको चाहिए कि आप सफ़ेद पीला वस्त्र अवश्य धारण करें, इनसे आपके अंदर सुकून आएगा, शांति आएगी और क्रोध आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। और वैसे भी अगर क्रोध आने की बात हो तो उसको टाल दीजिए। अगर किसी पर क्रोध आ रहा है तो उसको यह कह सकते हैं कल बात करता हूँ ऐसे करके, और हो सकता है कि कल क्रोध आए ही ना, क्योंकि तब तक आपके समझ में आ जाएगा कि क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से टालने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और सावधानीपूर्वक दिन का सदुपयोग करना चाहेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो दिक्कतें भी आ सकती हैं। ऐसा ही दिख रहा है आज के दिन आपके लिए। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके इनकम के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, और आप अच्छे तरीके से धन की प्राप्ति कर पाएंगे ऐसा भी दिख रहा है। हालांकि आपके मन में कुछ निराशा चल रही है और आपको लग रहा है कि शायद ठीक से नहीं हो पाएगा, और ख़ासतौर पर पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम में कुछ कमी महसूस होगी या उसकी वजह से थोड़ा लोनली फील होने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने आप को पैम्पर करें, खुश रखें और अपने काम में ध्यान लगाएं, जिससे आपका मन थोड़ा डाइवर्ट हो चिंता परेशानी से, और आप काम में जो सक्सेस मिलने के चांसेस बन ही रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगा और आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा रैदर देन चिंता के। तो इसलिए चिंता के ऊपर अपनी सक्सेस लिख दीजिए और अपने जीवन में आज का दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज कोशिश करें कि आप सफ़ेद रंग और हर रंग उपयोग में लें तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, और आपको उत्साह के साथ दिन का सदुपयोग करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा तो दिख रहा है हर तरह से, लेकिन एक सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, वो ये है कि आप आज के दिन अपना समय गंवा सकते हैं और या व्यर्थ के कार्यों में अपने आप को उलझा सकते हैं, या फिर आप ये भी हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो इसलिए अच्छी बात है किसी की मदद करना, कुछ परोपकार करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपका नुकसान हो जाए तो कल को आप किसी की मदद दोबारा करने लायक रही ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी मदद करने से आपका नुकसान नहीं होगा। तो आप जब दूसरों की मदद करेंगे तो उसके बाद आप नुकसान होने के बजाय आप ठीक तरीके से चल पाएंगे, और आगे भी भविष्य में मदद करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा। कोशिश करें कि आज के दिन आप लाल रंग, पीला रंग, ऑरेंज रंग
लोग मिलें, इन लोगों से आपको काफ़ी उत्साह बढ़ेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगी और आप सही तरीके से समय का सदुपयोग करके लाभ लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपका भाग्य इतना अच्छा काम नहीं करेगा, आपको बड़ों का सहयोग अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके काम में सही तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे और धन की प्राप्ति भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए ऐसा दिख रहा है कि आप पूरी तरह से स्वयं ही मतलब अपने काम को फोकस करेंगे और स्वयं ही कार्य कर पाएंगे सफलता प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप दूसरों से मदद की उम्मीद न करें और दूसरों से मदद के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। निराशा हाथ नहीं लगेगी, सफलता तो हाथ लगेगी नहीं। तो इसलिए कॉन्फिडेंट होकर के बिना चिंता किए हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि पीला हरा रंग प्रयोग मिले तो आपके लिए काफ़ी शुभ है। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आपको धन की प्राप्ति होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। आपके प्रोफेशन में आपको धन की प्राप्ति होगी, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे बिजनेस करते हो, धन की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी और साथ साथ आपको उस धन का रीइन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आगे तरक्की कर जाए या मजबूत हो जाए, तो उसके लिए आपको हर तरह से आपके धन का, आपके कमाई का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आप कर भी पाएंगे। ऐसा नहीं होता हमेशा कि आप कमाई करते हैं और आप काम आपके वो आपके काम में आ जाए या उस धन का सदुपयोग कर पाएं आप, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जो भी कमाएंगे उसका सदुपयोग आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर पाएंगे, ऐसा शुभ योग दिख रहा है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। अपने काम को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपग्रेड करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस बारे में विचार करके अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग कर लीजिए, जिससे आप अपने कार्य का विस्तार कर लें, मजबूत बना लें, अप टू डेट हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपके आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद रंग, पीला रंग और हरा रंग आपके लिए काफ़ी शुभ है। इन रंगों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी स्ट्रांग बनने में और आगे बढ़ने में। आइए दर्शकों, अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मस्तिष्क काम करेगा और हर तरह से आप परफॉर्म कर पाएंगे जैसा आप करना चाहते हैं। मतलब आपको नेचर हर तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है, इसका आपको लाभ मिलेगा। कोशिश करें कि आज के दिन आप किसी भी तरह से क्रोधित ना हो, अगर शांत रह करके आप अपना कार्य कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे फायदा ये हो जाएगा कि जो एनर्जी आपको क्रोध दे रही थी वही एनर्जी आपको तरक्की और मान सम्मान दे देगी। तो यदि आप मान सम्मान चुनना चाहते हैं तो क्रोध मत करिए, और यदि आप मान सम्मान की परवाह नहीं है और अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं तो आप क्रोध कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मेरे विचार से तो क्रोध का कोई फ़ायदा है नहीं, अगर आप बिना क्रोध के भी चल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ ये भी बात है कि अगर आप आज के दिन काला रंग, पीला रंग और सफ़ेद रंग दो मिलें तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी शुभ रहेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट, आपके बड़ों का सपोर्ट आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा और कई तरह की कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है उनके संबंध में। इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा और खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, तभी अच्छा रहेगा। मैंने हमेशा बताया है कि प्रातःकाल आपको महामंत्र का जाप करना है, चंदन का टीका लगाना है, श्वेत चंदन का और चंदन का इत्र प्रयोग में लेना है। ये सब करने के बाद ही दिन की शुरुआत करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें पक्का होंगी, ऐसा होने के चांसेस बनते हैं। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो हाँ, पॉजिटिव होने के चांसेस बन जाते हैं और पॉजिटिव होने के लिए आपको मैंने बताया कि केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय इतना इस तरीके का है कि जो कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपको धन का नुकसान हो सकता है, आपके काम का नुकसान हो सकता है। अगर आप वाकई लापरवाही करेंगे, ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो आपकी जॉब भी जा सकती है या आपके बिजनेस भी खराब हो सकता है। तो इसलिए अगर आप केयरफुल होकर चलेंगे तभी अपने जॉब या बिजनेस को बचा पाएंगे और ठीक तरीके से चला पाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आज के दिन आप कोशिश करके आप जो रंगों का इस्तेमाल कीजिए वो पीला और सफ़ेद रंग, दो रंगों को इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और जो भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन से आप बेहतर स्थिति में पहुंच पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके व्यवसाय में आपके पार्टनर का, आपके सहयोगी का बड़ा ही अच्छा रोल रहेगा। अगर वो अच्छे तरीके से आपके साथ मिल करके तालमेल बिठा करके चल पाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से धन की प्राप्ति हो सकती है और जो भी पेमेंट्स वगैरह पहले नहीं मिल पाई हो, पेमेंट्स की भी रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो
कोशिश करें कि आप टीम वर्क की तरह से अपने पार्टनर के साथ, साथियों के साथ, एसोसिएट के साथ, जो भी आपके साथ कार्य कर रहे हैं मिलजुल करके, उनके साथ मिलजुल करके अगर टीम वर्क करके अपना कार्य करने की कोशिश कीजिएगा तो सफलता काफ़ी अच्छी आपको हाथ लग सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाएं, और आपके पार्टनर या आपके साथी थोड़े बीमार भी हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, या कोई ऐसी उलझन परेशानी भी उनकी हो सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप उनकी मदद करिए, मदद करके उनको इस लायक बना दीजिए कि आपकी मदद कर पाएं, और उनके साथ मिल करके आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके पर्सनल संबंध भी उनके साथ अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप वक्त पर उनके काम आएंगे, और साथ साथ क्या है कि जब आप टीम वर्क वाली बात करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो इन्वॉल्व होकर के आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ऐसा बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसको अवेल जरूर करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, सफलता प्राप्त कर लेंगे ऐसा दिख रहा है। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा है जिसमें थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अभी तक तो समय स्मूथ चल रहा था, किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा बदलाव दिख रहा है। बदलाव ऐसा दिख रहा है कि आपके काम में कई तरह की परेशानियां, उलझन और चैलेंजेस हो सकते हैं, जिसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आप अपने कार्य को अगर ठीक से कर पाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति भी अच्छे से हो जाएगी। इसलिए सिर्फ आपको ख्याल रखना है, आपको ठीक से चलना है और धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और निराशा से बच पाएंगे। कोशिश करें कि किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को या नेगेटिव लोगों से अपने आप को न मिलाएं आप, और अपना समय किसी भी तरह से उनसे बात करने में, उनके साथ समय बिताने में बर्बाद न करें, नहीं तो आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटी है, गुण है, उसका नुकसान हो सकता है और वो आगे बढ़ पाएंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप ज़रूर आगे बढ़ने में पीछे रह जाएंगे, मतलब आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे की तरफ जा सकते हैं या फिर आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, दोनों स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए कोशिश करें अपने आप को संभालें और अपने आप को संतुलित करें, जिससे समय का सदुपयोग आप कर सकें और अच्छे तरीके से आप तरक्की कर सकें। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर मन में काफ़ी शांति रहेगी और आपके वाणी में भी काफ़ी मधुरता और सौम्यता होगी, जिसकी वजह से सभी लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और आप जो भी कहना चाहेंगे वो कह पाने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जब लोग सुनेंगे आपको और आप में कहने की शैली बहुत अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप दूसरे लोग प्रभावित करेंगे, और अगर प्रभावित कर पाएंगे और आपकी बात सुन पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपना काम बढ़ा पाएंगे और लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाकर अपनी डील्स वगैरह करना है वो सब कर पाएंगे। तो इसलिए समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं इतना अपॉर्चुनिटी, तो आप इस समय पर अपने रिज्यूम फ्लोट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत अच्छे तरीके से रिज्यूम आप लोगों के निगाह में आए और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आज के दिन सफ़ेद रंग, पीला रंग अवश्य धारण करें। इन रंगों से आपके मन में खुशी रहेगी, उत्साह रहेगा और पवित्रता रहेगी, जिसकी वजह से आपके विचार भी अच्छे रहेंगे, सोच भी अच्छी रहेगी और आपके कर्म करने की प्रेरणा जो मिलेगी वो भी अच्छी बात के लिए ही मिलेगी। तो इस तरह से अपने दिन का सदुपयोग करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और आप सारे दिन का सदुपयोग करके शाम को या रात में चैनपूर्वक, आनंदपूर्वक परमात्मा का धन्यवाद करके भी सो सकें। तो यार दर्शकों, आज के दिन का हाल, उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।